स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रेन एंड वुमेन स्पोर्ट्स का पार्ट 3rd, जो कि है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हमने आपसे डिस्कस कर रखा था स्पाइनल कर्वेचर के बारे में, स्पाइन से रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी की। आज मैं आपको डीपली फिर से सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में जो 12th क्लास में है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे भी पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरीके के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियोज और MCQ से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो स्टूडेंट, देर ना करके हम बात करते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपके होगी जो कि है स्पाइनल कर्वेचर, यानी कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें स्पाइन का जो शेप है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा उसमें कर्वेचर आ जाता है या उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है। देन सेकेंड वन है फ्लैट फूट, जिसमें आपका आर्क की प्रॉब्लम आती है। देन थर्ड वन है नॉक नीज, आपस में घुटने का टकराना, बोले घुटनों का आउटवर्ड ज़्यादा बाहर की तरफ खुल जाना, राउंडेड शोल्डर यानी कि राउंड शोल्डर, कंधे आगे की तरफ झुकना। तो फर्स्ट वन हम बात कर लेते हैं इसमें स्पाइनल कर्वेचर के बारे में, स्पाइन रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज है। डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू स्पाइन, है ना, वो हमारी स्पाइन से रिलेटेड, मेरुदंड से रिलेटेड, है ना, बैकबोन से रिलेटेड जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसको हम स्पाइनल कर्वेचर का नाम देते हैं। उसके पीछे वीक मसल्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन कर्वेचर। तो सबसे बड़ा इशू जो है, रीजन जो है, वो है हमारी मसल्स मांसपेशियों का कमज़ोर होना, उसमें पोस्चरल जो स्पाइन में हमारे कर्वेचर आता है उसका सबसे बड़ा रीजन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 3 टाइप्स के आपकी स्पाइन रिलेटेड कर्वेचर होते हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, काइफोसिस, लोडोसिस एंड स्काइलोसिस। काइफोसिस, नॉर्मल स्पाइन की बात करें तो लिटिल बिल बहुत थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे कर्व मिलेगा, जबकि लोडोसिस में क्या होता है कि लंबर रीजन में इनवर्ट कर्वेचर आ जाता है, यानी कि जो आपकी कह लीजिए बेस्ट के ऊपर का जो पार्ट है ना, स्टमक के जस्ट पीछे का, वो थोड़ा सा पीछे से अंदर की तरफ पुश हो जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। स्पेशली ओबेस पर्सन को ये ज़्यादा होता है। काइफोसिस में क्या होता है, थोरेसिक्स रीजन में, यानी कि आपके जो स्कैपला है और नेक के पास का जो पार्ट है बैक का, उसमें थोड़ा सा हंच बैक आ जाता है, पीछे की तरफ कर्वेचर आ जाता है। स्काइलोसिस में क्या होता है कि आप देखेंगे लिटरल कर्वेचर आ जाता है, साइड वेट कर्वेचर आ जाता है स्पाइन में, जिसमें यस यस ई शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वन बाई वन अब हम इसको एक्सप्लेन कर दें। तो फर्स्ट वन है काइफोसिस एंड इंक्रीज और एक्स एग्रेशन ऑफ ए बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व और ए डिक्रीज ऑफ रिवर्सल ऑफ ए फॉरवर्ड कर्व। तो इसमें क्या होगा कि आप नॉर्मल स्पाइन को देख सकते हैं, वो एकदम स्ट्रेट दिखेगी, जबकि आपकी जो काइफोटिक स्पाइन है उसमें क्या है, थोड़ा सा शोल्डर के पास में यहाँ पे इस एरिया पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा कर्व आ जाता है, यानी कि हम बन जाता है, कुबड़ सा निकल आता है, उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। देन काज क्या है इसका, बाई माल न्यूट्रियंस इलनेस, डिफिशेंसी ऑफ प्योर एयर, इंसफिशिएंट एक्सरसाइज, रिकेट्स, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर, अनसुटेबल फर्नीचर, वीक मसल्स एंड हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाई लीनिंग फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हम वेरियस इसके कारण देख सकते हैं कि कुपोषण, बीमारी, सूखा रोग, भारी वेट को अपने कंधे पे उठाना या अनसुटेबल फर्नीचर, ये सारे इसके रीजंस होते हैं काइफोसिस हमारी बॉडी में क्रिएट होने की, काइफोसिस नामक पोस्चरल डिफॉर्मिटी की। देन प्रिकॉशंस की बात करें, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ सीटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग शुड बी पेड अटेंशन। तो स्टार्टिंग में ही जैसे ही हमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो या स्टार्ट में, शुरुआत में ही इसकी रोकथाम करना ज़रूरी है, हमें उसी टाइम से प्रॉपर, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, जो प्रॉपर हमारा सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग का स्टाइल हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारी एनाटॉमिकल बॉडी पोजिशन के अकॉर्डिंग।
बट अगर इट भी एक्यूपेशन या कोई रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं फॉलो कर पा रहे, तो जैसे ही हमको इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं या हमको फील होता है, वैसे ही प्रॉपर हमको सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग स्टाइल का प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए, तब इससे बचा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन, लोडोसिस इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन द लंबर रीजन, इट इज एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो स्टमक के जस्ट पीछे आपका क्या हो रहा है कि जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ इनवर्ट कर्वेचर हो जा रहा है, उसको हम लोडोसिस बोलते हैं। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, द बॉडी सीम्स टू बी स्टिफ। तो ये थोड़ा सा हमें वॉक करने में, चलने में, खड़े होने में इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स होती है। कैन बी करेक्टेड इन एन अर्ली स्टेज, तो इसको हम बहुत ही अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग शुरुआत में ही इसको करेक्ट कर सकते हैं। कॉज्ड बाय इनबैलेंस डाइट, असंतुलित भोजन लेना, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट, सही तरीके के इन्वायरमेंट में न रहना, या आपको गलत हैबिट्स को फॉलो करके इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स पे गलत तरीके से लोड देना, स्ट्रेस देना, साथ ही साथ ओबेसिटी एंड डिसीज अफेक्टिंग वर्टेब्रा एंड स्पाइन मसल्स। तो ज़्यादा ओबेस पर्संस को ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं ना। देन स्काइलोसिस की बात करें, साइड वेट कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, पोस्टीरियर एडाप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल पोजिशन। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे स्पाइन आपकी इस तरीके से एस या सी शेप में साइड वेज कर्वेचर पाया जा रहा है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं स्काइलोसिस। स्काइलोटिक कर्व्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दियर कॉन्वेक्स टाइज, कॉज्ड बाय डिसीज इन द जॉइंट्स ऑफ बोन, अंडर डेवलप्ड लेग्स, इन्फेंटाइल पैरालाइज, रिकेट्स, कॉग्निटिव और एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज ऑफ वर्टेब्रा मसल्स और नर्व्स। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन है वो साइड वेट कर्वेचर आ जाता है, जो इसके पीछे रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, अनबैलेंस डाइट लेना या सूखा रोग या एबनॉर्मलिटीज, सही तरीके से आपके जो प्रॉपर स्लीपिंग स्टाइल है, सोना, बैठना, उठना, ये भी रीजन है, या आपका ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें एक ही साइड ज़्यादा टर्न होना है, तो ये सारे इसके रीजन्स होते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी बोन्स और मसल्स का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेग की मसल्स का, तो वो भी एक रीजन बनता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्काइलोसिस क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट वन, पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी की बात करें स्टूडेंट, फ्लैट फीट, ए कंडीशन इन विच द फूट हैज एन आर्च दैट इज लोअर देन यूजुअल। चिल्ड्रेन विथ फ्लैट फीट फील पेन इन फीट, पर्सन विथ फ्लैट फीट कैन नॉट वॉक लॉन्ग डिस्टेंस और वॉक एट ए ब्रिक्स, कॉज्ड बाय वीक मसल्स, रैपिड इंक्रीज इन वेट, इम्प्रॉपर शूज। तो ये जो फ्लैट फीट है वो क्या है कि उसमें हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल आर्क हमारे लेग में पाया जाता है, यानी कि जो पैरों के तलवे में जो आर्क है वो एकदम ना के बराबर हो जाता है, या वो आर्क रहता ही नहीं, पूरा का पूरा पैर हमारा स्ट्रेट हो जाता है, जैसा यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाया गया, यानी कि पूरा लेग जो है, अगर आपके उस व्यक्ति का जिसको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है उसके पैरों को ज़मीन पे रखें तो उसका पूरे के पूरे पैर का इम्प्रेशन बनेगा, निशान बनेगा। तो जिसके पीछे रीजन क्या होता है कि आप ज़्यादा लंबे दूरी तक वॉक नहीं कर सकते, लॉन्ग डिस्टेंस तक चल नहीं सकते, पैरों में दर्द होता है, साथ ही साथ ये जो रीजन है इसका, जो मेन कारण है फ्लैट फीट होने का, वो ये है कि आपकी मसल्स का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना होना, या एकाएक वेट का बढ़ना, या इम्प्रॉपर गलत तरीके के शूज का पहनना, इसके पीछे रीजन्स होता है। जो नॉकनी की बात करें स्टूडेंट, तो नॉकनी में क्या होता है, इन दिस डिफॉर्मिटी बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। तो इसमें क्या होगा कि बोथ नीज क्या होंगी, एक दूसरे से टच हो रही है, यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन में भी खड़े हो रहे हैं तो इसमें टच होती हैं, उसे हम नॉकनी बोलते हैं। द गैप बिटवीन एंकल गोज ऑन इंक्रीज, तो यहाँ पे देखेंगे कि एंकल के बीच में जो शोल्डर लेवल का गैप है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा
इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसमें देन इंडिविजुअल फेसेस डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड रनिंग, तो जिससे व्यक्ति को चलने में समस्या होती है या टहलने में, रीजन क्या है कि दोनों घुटने आपस में उसके टच होते हैं, टकराते हैं। कॉज्ड बाय लैक ऑफ बैलेंस डाइट, तो जो सबसे बड़ा रीजन है, कारण है इसका कि जो प्रॉपर संतुलित भोजन की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम एंड फास्फोरस, या कोई भी क्रोनिक इलनेस है, लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी है, ओबिसिटी है, वो नौकनी का रीजन हो सकता है। देन नेक्स्ट वन बात करें तो नेक्स्ट वन है बोलेग, धनुषाकार टांगे। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि अभी हमने देखा नौकनी में इन्वर्ट कर्वेचर था, नी में, लेग्स में, अब ये क्या है, आउटवर्ड हो गया। लोअर लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स गेट बेंड, तो हमारी टांगे जो हैं, पैर जो है, वो बाहर की तरफ, घुटने बाहर की तरफ हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग फीट टुगेदर, तो यहाँ पे देखेंगे जो गैप है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बोथ नीज के बीच में। कैन बी ऑब्जर्व है ना व्हेन ए पर्सन वॉक और रन, तो इजिली इसको हम देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति चल रहा है या दौड़ रहा है, तो ये हम इससे इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो इसके पीछे रीजन है, कॉज जो है, वो डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बोन्स, ओबिसिटी, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, गलत तरीके से चलना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, और एकाएक मोटापे का बढ़ना, बॉडी वेट का बढ़ना, ये इसके बोले के मेन रीजन्स होते हैं। देन नेक्स्ट वन बात करें, जो नेक्स्ट वन है वो है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर की बात करें तो शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम्स दे सीम टू बी वेंट फॉरवर्ड। सेकेंड वन, अलाइनमेंट ऑफ द ईयर्स इन रिलेशन टू द शोल्डर इज नॉट प्रॉपर, एकर ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ चेस्ट मसल्स कॉज्ड बाय वेयरिंग वेरी टाइट क्लॉथ, सिटिंग ऑन इनप्रॉपर फर्नीचर, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, स्पेशली ऑफ शोल्डर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल शोल्डर है हमारा, यानी कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी स्पाइन है, वो क्या होती है कि जो कान है वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, शोल्डर थोड़ा सा राउंडेड हो जाता है, इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से। और जो प्रॉपर बॉडी का अलाइनमेंट है, यानी कि जो एक सीधी रेखा में यहाँ पे देख रहे हैं, कान जो है हमारा वो शोल्डर के सीध में है, वो नहीं होता। तो साथ ही साथ एक डू शॉर्टनिंग ऑफ चेस्ट मसल, तो जो चेस्ट मसल है आगे झुकने की वजह से थोड़ा सा छोटी हो जाती है, यानी कि तो इन प्रॉपर शेप में आ जाती बॉडी, शोल्डर आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं राउंड शोल्डर। इसके पीछे जो रीजन है, कारण है, वो बेयरिंग वेरी टाइट क्लॉथ, ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े पहनने की वजह से, या गलत तरीके से सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, गलत फर्नीचर पे, प्रॉपर अकॉर्डिंग हाइट के आपके फर्नीचर ना हो, वो भी एक रीजन हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज स्पेशली ऑफ शोल्डर, तो शोल्डर के लिए आप एक्सरसाइजेस नहीं करते प्रॉपर तरीके से, वो भी इसके पीछे एक रीजन्स हो सकता है। स्टूडेंट्स ये था आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, जो 5 टाइप्स की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, 3 आपकी स्पाइन, फर्स्ट वन स्पाइनल पोस्चरल कर्वेचर से रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी थी, सेकंड वन आपका द फ्लैट फीट, नॉकनी, बो लेग एंड राउंडेड शोल्डर। तो इन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके, आपको ये 3 to 5 मार्क्स में लिखने के लिए आता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट वन हम बात कर लें इसमें फिजिकल एक्टिविटी एज करेक्टिव मेजर्स, है ना, कि कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं इन पोस्चरल डिफॉर्मिटी को करने के लिए। एक्सरसाइज रिलेटेड टू लोडोसिस, लोडोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन बोथ हैंड को बीच में रखते हुए सिटअप्स लगा सकते हैं। देन सेकेंड वन एक्सरसाइज अगर आपको सजेस्ट करना है तो क्या करेंगे आप, थोड़ा सा जस्ट लाइक सुपाइनेशन पोजीशन में लेट के आप ब्रिज पोज को मेंटेन करेंगे, बैक को
मैट पे रखते हुए दिन। थर्ड वन जस्ट लाइक आपका पवन मुक्तासन है ना, इसको करना है। फोर्थ वन क्या करना है, पश्चिमोत्तानासन। फिफ्थ वन एक्सरसाइज जो है वो है माउंटेन क्लाइंबिंग है ना, तो अल्टरनेट आपको पेन डाउन करना है एक लेग को। दिन सिक्स वन जो है आपका स्क्वाट लगाना है बोथ हैंड को इनसाइड रखते हुए नी के बीच में। देन 90 डिग्री पे आपको लेग को रेज करके नी से बेंड करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है सिटअप्स की पोजीशन में, सुपाइनेशन पोजीशन में लेट के। देन नेक्स्ट वन जो है वो है लोडोसिस से रिलेटेड एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, ब्रिज पोज को मेंटेन करना है। देन एक्सरसाइज रिलेटेड टू स्काइलोसिस, स्काइलोसिस के लिए क्या करना है, आपको हैंगिंग करना है बार पे, जैसा कि यहाँ पे है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, चिन को होल्ड करना है। देन सेकेंड वन एक्सरसाइज आपको ब्रिज पोज, हाफ अर्ध पवन मुक्तासन है ना, देन पश्चिमोत्तानासन, माउंटेन क्लाइंबिंग, चेयर पे आपको अप एंड डाउन करना है चेयर को होल्ड करके, और सो हाफ सुपरमैन पोज बनाना है, देन साइडवर्ड बेंडिंग करनी है। देन ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत यूजफुल है स्काइलोसिस के लिए। देन नेक्स्ट वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू नॉकनी के लिए, बटरफ्लाई आसन, स्क्वाट, फॉरवर्ड लॉन्जिंग, बॉल होल्ड द बॉल इन बोथ नीज, देन साइडवर्ड लेग रेज। तो ये सारी एक्सरसाइजेस करके आप नॉकनी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। देन एक्सरसाइज रिलेटेड टू बोलेक्स, तो पेट के बल लेट के आपको क्या करना है, बोथ लेग पे के बीच में एक पिलो या कोई भी बेड को होल्ड करना है। देन अल्टरनेट साइकिलिंग करनी है सुपाइनेशन पोजीशन में बैठ के, गरुड़ आसन कर सकते हैं आप, अर्धमत्स्येन आसन कर सकते हैं, ये यूजफुल है आपके बोले के लिए, करेक्टिव एक्सरसाइज है। देन नेक्स्ट वन एक्सरसाइज की, नेक्स्ट वन प्रॉब्लम्स की बात करें पोस्चरल डिफॉर्मिटी की, तो वो है एक्सरसाइज रिलेटेड टू राउंड शोल्डर्स, जिसमें आपका आएगा चक्रासन, धनुरासन है ना, साइडवर्ड स्टिप को स्ट्रेच करना, खींचना, देन सुपरमैन पोज है ना, देन गौमुख आसन। इन योगिक एक्सरसाइज को और फिजिकल एक्टिविटीज को करके आप अपनी बॉडी से राउंड शोल्डर की पोस्चरल डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज रिलेटेड टू फ्लैट फूट, तो फ्लैट फूट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपको टॉवल कर्ल करना है, इस तरीके से अपने टो से टॉवल को कर्ल करना है एक फर्श पे डाल के। देन मार्बल पिकअप्स, तो इस तरीके से आपको अपने टो से मार्बल्स को पिकअप करना है, टो टैप, देन उसके बाद क्या करना है, टो को टैप करना है इस तरीके से, देन साथ ही साथ डीप टिश्यू मसाज और मसाज भी करनी है ना। तो ये एक्सरसाइजेस आप किसके लिए यूज कर सकते हो, फ्लैट फीट की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, पोस्चरल डिफॉर्मिटी को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल फिटनेस पाठशाला को शेयर करें, और जो भी आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक या कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपकी वीडियोज बना दूंगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू।